दिल्ली में बारिश ने दी गर्मी से राहत, रिमझिम फुहारों ने सुहावना किया मौसम। राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की फुहारों ने दिल्ली का मौसम खुशनुमा बना दिया है। कई इलाकों में हल्की तो कई जगह मध्यम वर्षा ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। बारिश का यह सिलसिला शुक्रवार से ही शुरू हो गया था। शुक्रवार से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन उमस लगातार बनी हुई थी। लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल गई है। शुक्रवार को दिल्ली NCR में दिन में उमस के बाद दोपहर बाद मौसम बदलने लगा था। अचानक काले बादल छा गए और बारिश होने लगी थी। ये बारिश रुक रुक कर अभी भी हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पूर्वानुमान जताया था कि अगले 24 घंटे में भी बादल छाए रहने के साथ हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए भी बारिश की संभावना जताई थी। कल तो एक घंटे के भीतर ही दिल्ली में 3.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। साथ ही दिल्ली में अभी तक जुलाई में 220 मिलीमीटर बारिश से अधिक दर्ज की जा चुकी है। सामान्य तौर पर जुलाई में दिल्ली में 210.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। ऐसे में दिल्ली में समय बारिश का पूरा कोटा हो गया है। हालांकि इसमें से 117.2 मिलीमीटर बारिश 30 जून और 1 जुलाई के बीच रात में दर्ज की गई थी। इसके बाद बीते बुधवार को करीब 53 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं अन्य दिनों में रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ बारिश का कोटा पूरा हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से लेकर अभी तक 246.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से एक कम 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 27 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 69 से 98% रहा। मौसम विभाग ने कहा था कि आज अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। रविवार को भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी।